हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स एंड रीड इंग्लिश इजली। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास एट का चैप्टर थ्री, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 आपकी बुक कॉर्डोबा से। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड बी पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस इन नंबरों के हमको स्क्वायर रूट के वन डिजिट नंबर फाइंड करने हैं। मींस अगर जो हम आपको एक एग्जांपल से छोटे से बताएं, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कोई नंबर है 16, अगर आप कोई नंबर लेते हैं 16 और इसका बोला जाए कि इसका वन डिजिट बताइए स्क्वायर रूट का, तो उसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं क्या होगा, 4। और उसका वन डिजिट भी क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 121 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। और इसी का वन डिजिट क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आपको हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। तो उसी तरह ये नंबर थोड़ा बड़ा है, अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके उसका वन डिजिट बताना है। लेकिन आपको ये करना कैसे है, ये बिना सॉल्व किए करना है, तो बताती हूँ मैं कैसे करना है। ये देखिए, आप मैं एक मेथड बताती हूँ। वन का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसी तरह 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 4 होता है। उसी तरह हम 10 तक निकाल लेते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने 10 तक निकाल दिया। तो देखिए आप सबका यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे आप 0 लगा लीजिए अपनी सुविधा के लिए, या फिर 1496569410, ठीक है। तो अब इसी से आप फाइंड करेंगे इसका यूनिट डिजिट। अब देखिए कि अगर जो इस नंबर के लास्ट में 9 होता है, तो उसका क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट 3, या फिर देखिए यहाँ पे 9 है तो क्या हो सकता है, 7। अगर उसी तरह नंबर के लास्ट में 1 हो, तो उसका स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 होगा लास्ट में, या तो क्या होगा, 1 या तो 9, ठीक है। तो याद कर लीजिए, अगर लास्ट में 1 हो, यूनिट डिजिट 1 हो किसी नंबर के, तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, सॉरी ये तो 1 हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, 9। तो यहाँ पे लिख देंगे द यूनिट डिजिट मे बी 1 और 9। ठीक है, मैं लाइन लिख नहीं रही हूँ, आपकी बुक में अच्छे खासे से दिया हुआ है, आप उसको देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बस उसको समझाने के लिए आपसे बोल रही हूँ। आप लिख सकते हैं द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट में भी 1 और 9। उसी तरह 6 है तो 6 देखिए यहाँ पे है और कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो क्या हो सकता है, 4 या 6। तो अगर नंबर के लास्ट में 6 है, तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 4 या 6। उसी तरह अगर 9 हो, तो देखिए 9 किस में, 7 में है और 3 में है, तो यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट के क्या हो सकते हैं, 3 और 7। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप मान लीजिए याद करते हैं और भूल भी जाते हैं, तो इस मेथड से आपको फिर से याद हो जाएगा। तो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हमें बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका भी एक इसी से निकलेगा आपका। देखिए 7 किसी नंबर के लास्ट में आया है, नहीं आया है। 8 किसी भी स्क्वायर के लास्ट में आया है, देखिए किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट में आया है, नहीं आया है। 10 यहाँ पे देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा आप, 10 किसी क्लास में आया है, नहीं यहाँ पे आया है, लेकिन 20 आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 आया हुआ है, यहाँ पे 20 आया हुआ है। तो बच्चों अगर किसी नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6 और 5 होते हैं, तो ही वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो ही क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर नहीं है, अगर जो नंबर के लास्ट में 2, 8, 7 और यहाँ पे ठीक है, एक चीज और है मैं बता रही हूँ, अभी 2, 8, 7 है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई नंबर और तो नहीं बच रहा ना, हाँ 3 बच रहा है, 3 है, तो ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बच्चों, आपको मैं इस तरह बता दे रही हूँ, अगर आप कोई कभी भूल जाते हैं, तो आप इससे अपने आप तुरंत रिमाइंड कर सकते हैं। आप एग्जाम में बैठे हैं, भूल गए, बहुत प्रेशर है, तो आप क्या करेंगे, तो उस समय इस मेथड से आप उसको समझ सकते हैं। देखिए 7 है नहीं, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, सिंस द यूनिट डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपकी बुक में अच्छी खासी लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 8 है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे एक सिंगल 0 है,
तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो अगर एक जीरो हुआ, थ्री जीरो हुआ, फाइव जीरो हुआ, सेवन जीरो हुआ तो नहीं होगा। जीरो कितने होने चाहिए, टू, फोर, एट, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसलिए बस हमारा यही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मैं पहले आपको समझा देती हूँ क्या होता है। देखिए बच्चों, आपको जो नंबर दिया है ना, इसमें से ऑड नंबर माइनस करने हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर हमारे बच्चों क्या हुआ, वन। तो पहले वन माइनस करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से हम थ्री, फिर जो आएगा उसमें से हम फाइव, फिर जो आएगा उसमें से हम सेवन, ऐसे ही तब तक माइनस करेंगे जब तक हमको जीरो नहीं मिल जाता है। तो पहले चीज़ हमें क्या करना है, इसमें से ऑड नंबर वन से शुरू करना है और तब तक माइनस करना है जब तक क्या हो जाए, जीरो ना मिल जाए। ये पहले हम करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 144 नंबर है पहला, इसमें से पहले हम वन माइनस किए तो हमारे बच्चों क्या आ गया, 143। फिर 143 से हम तुरंत हम 3 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 140। और फिर हम 140 से माइनस करेंगे 5 तो हमारा क्या हो जाएगा, 135। फिर हम 135 से माइनस करेंगे 7। ठीक है, ऐसे हम तब तक। तो देखिए बच्चे, मैंने माइनस कर लिया है। अब देखिए हमारा आया 23। अब फिर 23 से नेक्स्ट हमारा 21 के बाद और नंबर क्या आएगा, 23। माइनस करते हैं तो 0। तो हम देखिए तब तक हम माइनस किए हैं और नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, ये क्या है, 19, 21, 23। मीन्स इससे मैंने सॉल्व कर लिया, तब तक हमें जब तक जीरो नहीं मिल गया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए इससे माइनस किया 143 आया, फिर 143 से 3 माइनस किया 140, 140 से 5 माइनस किया 135। फिर ऐसे ही हम माइनस करते चले गए हैं। अब देखिए कितनी बार हमने माइनस किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारा स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा बच्चों, 144 का 12। जितने टाइम हम लोग माइनस करते हैं, जितनी बार ये माइनस करते हैं, वही क्या होता है, हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो अगर ये 12 आ रहा है तो 12 हमारा होगा, ये 13 टाइम्स आता है तो 13, जितने भी टाइम्स आए। अगर आपको नेक्स्ट नंबर है 289, तो जब उसमें करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 17 टाइम आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन 4 में बच्चों को पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप अगर SCF पढ़े होंगे तो बस उसी मेथड से हमें निकालना है। तो देखिए पहला नंबर हमारा 676 है, तो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं 2। 2, 2 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। आई होप आपको ये सब आते होंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। फिर हम देखिए लास्ट में 9 आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो देखते हैं, आप डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, अब देखिए 3 से जाएगा, 6 1 7, और 7 और 9 कितना हो गया, 16। तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे और नंबर है, 5 से लास्ट में 5 होता है तभी जाता है। 6 से भी नहीं आया जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 2 14, 2 यहाँ गया, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं, 9 1 9 बचा 7, तो 79 आ जाएगा, फिर 9 से भी नहीं जाएगा। 10 तो जाएगा ही नहीं, 11 से 11 1 11, 5 बचा तो नहीं जाएगा, 12 से तो जाएगा ही नहीं। 13 से देखते हैं, 13 से जाएगा, 13 टाइम में चला जाएगा ये, 13 1 13, 3 13 39, फिर 13 1 जा। ठीक है, तो हमारा प्राइम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, बच्चों ज़्यादा वर्ड्स इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि आपको आपको बुक में दिया होता है और मैं सोचती हूँ समझना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 2 × 2 × 13 × 13 हो गया। तो देखिए अब देखिए पेयर बनाते हैं, पेयर मीन्स दो का जोड़ा, 2 एक बार और 13 भी एक बार, मीन्स दो बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, 13 भी दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो अब इसको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 26। तो हमारा स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, 26। उसी तरह आप इसको भी कीजिएगा, थोड़े बड़े नंबर हैं, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन करने आता होगा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से
उस पर एक नया वीडियो बना दूंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें इन नंबरों को फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मींस हमें वो होल नंबर फाइंड करना है जिसमें हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हमें उनका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। मीन्स ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमें उसी नंबर को फाइंड करना है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं करते हैं। देखिए सेम उसी तरह इसमें भी करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 252 में वर्ड्स में लिखती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। 2 1 2 2 2 4 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 7 21, फिर 7 1 7, ठीक है। कि आपका हो गया बच्चों। तो अब देखिए किसका पेयर नहीं बन रहा, मीन्स किसका जोड़ा नहीं बन रहा। 2 का तो बन रहा है, 3 का ही बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हमें नंबर कौन से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे वी शुड मल्टीप्लाई 252 बाई 7, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर क्या है, 7। और अब उसके बाद स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। अब इसका देखिए स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लिए। अब 252 का हम रूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 7 मीन्स 42, ठीक है। देखिए पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर हमारा क्या आ गया, 7, ठीक है। वी शुड मल्टीप्लाई 256 बाई 7। फिर हमें उसका उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना होगा, मीन 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 764, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 42। सो द नंबर विल, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सो द नंबर इज इक्वल टू 7064। अब इस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7064 होगा, यहाँ पे 764 होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बता दी, एक रिक्वेस्टेड वीडियो, मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इसको बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो उसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।